इस केस की विक्टिम थी स्नेहल गवारे। इस घटना के समय स्नेहल की उम्र 21 साल थी तथा वो अंधेरी के सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। घटना के समय स्नेहल सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। स्नेहल के पिता का नाम हिंदू राव गवारे था, जो बैंक में काम किया करते थे, जबकि स्नेहल की माँ का नाम कल्पना गवारे था, जो स्कूल में टीचर थी। स्नेहल के अलावा इनकी एक और बेटी थी जिसका नाम शीतल था, जो उन दिनों लंदन में पढ़ाई कर रही थी। ये पूरा गवारे परिवार पुणे के निनाद कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहता था। स्नेहल की गिनती अपने बैच के बेस्ट स्टूडेंट्स में की जाती थी। पढ़ाई के साथ साथ स्नेहल को घूमने फिरने का भी काफी शौक था, इसीलिए जब जून महीने में उनके कॉलेज से कुछ दोस्त ट्रैकिंग पर जाने का मन बनाते हैं, तो स्नेहल भी उनके साथ ट्रैकिंग के लिए चली जाती है। ये लोग वहाँ कई दिनों तक खूब मौज मस्ती करते हैं, मगर वापस आने से ठीक पहले ट्रैकिंग के दौरान ही स्नेहल के पैर का अंगूठा बुरी तरीके से चोटिल हो जाता है। उसे अस्पताल में ले जाया जाता है। यहाँ ट्रीटमेंट के बाद स्नेहल को कम से कम 1 से 1.5 महीने आराम करने की सलाह दी जाती है। अस्पताल से वापस आकर स्नेहल घटना वाले दिन के लगभग 1 महीने पहले से घर पर ही रह रही थी। हर रोज की तरह 19 जुलाई 2007 को भी स्नेहल अपने घर पर ही थी। दिन के 11 बजे स्नेहल की माँ कल्पना अपने रूटीन के मुताबिक स्नेहल को घर पर अकेले छोड़कर अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। स्नेहल के पिता सुबह ही अपनी ड्यूटी पर जा चुके थे। जब स्नेहल की माँ अपनी ड्यूटी खत्म करके घर आती है, तो उन्हें स्नेहल दिखाई नहीं देती है, इसलिए वो उन्हें खोजने के लिए उसके कमरे तक जाती है। वो देखती है कि स्नेहल की चप्पल दरवाजे पर पड़ी हुई है। स्नेहल का ब्रेसलेट और चश्मा भी उसके कमरे में ही पड़ा हुआ था। अब कल्पना घबरा कर स्नेहल को आवाज लगाती है, मगर कहीं से स्नेहल की आवाज नहीं आती है। इसके बाद कल्पना बेटी के घर से गायब होने की सूचना अपने पति को देने के लिए अपने मोबाइल निकालती है, तो देखती है कि उनके मोबाइल पर शाम के 3:28 पर स्नेहल का एक SMS आया हुआ है। वो जल्दी से इस SMS को खोलती है, तो पता चलता है कि SMS में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, बल्कि एक ब्लैंक SMS होता है। ये SMS देखने के बाद स्नेहल के गायब होने की खबर उसके पिता को भी दे दी जाती है। इसके अलावा स्नेहल के दोस्तों और कई रिश्तेदारों को भी फोन करके स्नेहल के बारे में पूछा जाता है, मगर किसी के पास में भी स्नेहल की जानकारी नहीं होती है। उस समय स्नेहल का एक बॉयफ्रेंड भी हुआ करता था, जिसका नाम इरेन राठौर था। इन दोनों की मुलाकात लगभग 2004 के आसपास हुई थी। पहले इन दोनों में दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे यही दोस्ती प्यार में बदल गई। इरेन राठौर को भी फोन किया जाता है, मगर उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। हालांकि जब थोड़ी देर बाद उसका मोबाइल का स्विच ऑन होता है, तो वो भी कहता है कि स्नेहल के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब तक स्नेहल के पड़ोसियों तथा आसपास रह रहे रिश्तेदारों को भी स्नेहल के गायब होने की खबर लग चुकी थी, और वो लोग भी स्नेहल के घर पर आ चुके थे। यहाँ आकर ये सभी अपने अपने स्तर पर उन सभी संभावित जगहों पर स्नेहल की खोजबीन करना शुरू कर देते हैं, जहाँ स्नेहल जा सकती थी, लेकिन कहीं भी स्नेहल का अता पता नहीं चलता है। थक हार कर स्नेहल के माता पिता डोंबिवली के रामनगर पुलिस स्टेशन जाते हैं, और वहां शाम के लगभग 6:30 स्नेहल के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी स्नेहल के माता पिता और पड़ोसी रिश्तेदार बैठते नहीं है, बल्कि देर रात तक स्नेहल को अपने स्तर से खोजने की कोशिश करते रहते हैं, मगर इन लोगों के हाथ कामयाबी नहीं लगती है। अब तक काफी देर हो चुकी थी, इसलिए सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। स्नेहल की माँ स्नेहल के कमरे में ही लगे बड़े से बेड पर कुछ अन्य लोगों के साथ सो जाती है। अगली सुबह यानी 20 जुलाई 2007 को शुक्रवार के दिन सभी की आंखें सुबह सुबह ही खुल जाती है, क्योंकि स्नेहल के गायब होने की बेचैनी में किसी को ठीक ढंग से नींद भी नहीं आई थी। स्नेहल की माँ भी उठकर बेड से नीचे उतरती है, तभी उनकी नजर बेड के पास गिरे एक पानी के बोतल पर पड़ती है। ये पानी का बोतल अक्सर स्नेहल के कमरे में लगे इसी बड़े से बेड के नीचे मौजूद ड्रॉर में रहता था, मगर आज ये नीचे गिरा हुआ था।
वो नीचे झुककर पानी की बोतल उठाती है और बेड के नीचे बने बक्से में उसे रखने के लिए बेड पर लगे गद्दे को थोड़ा सा हटाती है। मगर गद्दे को थोड़ा सा खिसकाते ही वो अचानक से चीख पड़ती है। कल्पना इतनी जोर से चिल्लाती है कि घर में मौजूद लोगों के साथ साथ पड़ोसियों तक को ये चिल्लाने की आवाज जाती है और वो सभी हड़बड़ाकर कमरे में भागते हुए आते हैं। कल्पना उसी बेड की तरफ इशारा करके लगातार चिल्लाए जा रही थी और चिल्लाते चिल्लाते बेहोश भी हो जाती है। जब वहां पर मौजूद लोग कल्पना के चिल्लाने की वजह समझने के लिए गद्दे को हटाते हैं तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें बेड के नीचे बने बक्से में एक इंसानी हाथ दिखाई देता है। आनन फानन में सभी लोग मिलकर गद्दे को हटाते हैं और बेड को खोलते हैं तो जो नजारा उनके सामने होता है उसे देखकर हर कोई शॉक रह जाता है। जिस बेड पर स्नेहल की माँ और कुछ दूसरे रिश्तेदार रात में सोए थे उसी के नीचे बने बक्से में स्नेहल की लाश पड़ी हुई थी। स्नेहल के हाथ पीछे पैर पीछे करके कपड़े से बांधा हुआ था जबकि मुंह पर टॉवल लपेटा हुआ था। आनन फानन में पुलिस को खबर दी जाती है। जल्द ही पुलिस वाले भी वहां भागते हुए मौके पर पहुंच जाते हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है जबकि एक मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है। घरवालों द्वारा सबसे पहला शक स्नेहल के बॉयफ्रेंड हीरेन राठौर पर जताया जाता है। स्नेहल की मां के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से स्नेहल और हीरेन का किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था और इन दोनों में आजकल बातचीत भी बहुत कम हो गई। घर वालों के बयान के मुताबिक इसी झगड़े की वजह से शायद हीरेन ने ही स्नेहल की हत्या करनी होगी। वैसे भी हीरेन ही ऐसा व्यक्ति था जो अक्सर इस घर में आता रहता था और इसके बारे में स्नेहल की माँ को भी अच्छे से पता था। घर में ही तलाशी के दौरान पुलिस को ये भी पता चलता है कि स्नेहल की एक सोने की चेन और उसके पास मौजूद नोकिया N72 मोबाइल फोन भी गायब है। पुलिस को जांच में घर के अंदर किसी भी तरह के फोर्स एंट्री के सबूत नहीं मिलते हैं। इससे ये साफ था कि जिसने भी स्नेहल की हत्या की है वो बड़े आराम से घर के अंदर आया और शायद स्नेहल उसे जानते भी थे। पोस्टमार्टम के बाद स्नेहल का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलता है कि स्नेहल की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। उसके साथ किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। घर से कोई दूसरी कीमती चीज भी गायब नहीं हुई थी। ऐसे में ये लूट के लिए की गई हत्या का मामला भी नहीं लग रहा था। अब पुलिस शक के आधार पर सबसे पहले स्नेहल के बॉयफ्रेंड हीरेन राठौर को पूछताछ के लिए बुलाती है। सबसे पहले हीरेन से घटना वाले दिन मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह के बारे में पूछा जाता है तो वो बताता है कि दो दिन से उसका मोबाइल खराब चल रहा है और वो मोबाइल तभी ऑन करता है जब उसे किसी को फोन करना होता है। जांच पड़ताल में हीरेन का ये दावा सच पाया जाता है। जब हीरेन से पूछा जाता है कि घटना वाले दिन वो कहाँ था तो वो बताता है कि मैं रोज की तरह अपने काम पर गया हुआ था। हीरेन के इस दावे की पुष्टि के लिए पुलिस की टीम उस कंपनी में जाती है जहाँ हीरेन काम किया करता था। वहाँ उसके कलीग तो इस बात की पुष्टि करते हैं कि दिन भर हीरेन 19 जुलाई 2007 को काम पर था। मगर जब कंपनी के अटेंडेंस रजिस्टर को लाने को कहा जाता है तो पता चलता है कि अटेंडेंस रजिस्टर अचानक से गायब हो गया है। पुलिस वाले उस अटेंडेंस रजिस्टर को खोजने की काफी कोशिश करते हैं। ये कोशिश वर्षों तक चलती रहती है मगर वो अटेंडेंस रजिस्टर कभी नहीं मिल पाता है। हीरेन के साथियों द्वारा दिए गए बयान से पता चल रहा था कि हीरेन तो संभावित हत्या वाले दिन काम पर था। ऊपर से स्नेहल के कमरे या पूरे घर में कहीं भी ऐसे एक भी सबूत नहीं मिले थे जिससे ये साबित हो सके कि हीरेन घटना वाले दिन या उससे पहले इस घर में आया था। गिरफ्तारी से कुछ ही दिनों बाद हीरेन को सबूत के अभाव में छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों बाद फिर से हीरेन को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है मगर इस बार भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। अंत में हीरेन का साइकोलॉजिकल टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन एनालिसिस भी किया जाता है मगर उससे भी पुख्ता तौर पर पुलिस को कोई भी ठोस संकेत नहीं मिलते हैं। पुलिस और घरवालों का शक सबसे ज्यादा हीरेन पर था मगर पुलिस की अब तक की जांच में
वही बचता आ रहा था। अब पुलिस वाले नए सिरे से जांच शुरू करते हैं और इस जांच के दायरे में हीरेन के माता पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों को भी शामिल करते हैं। इसी जांच पड़ताल के दौरान खुलासा होता है कि स्नेहल के पिता हिंदू राव गवारे को शक था कि उनकी पत्नी कल्पना का चक्कर उसके ही एक रिश्तेदार अनिल जवालेकर के साथ चल रहा था। पुलिस इस एंगल से भी जांच करती है कि कहीं इस अवैध संबंध के रिश्ते को छुपाने के लिए तो ये हत्या नहीं की गई है। इस कारण अब स्नेहल की मां कल्पना का भी साइकोलॉजिकल टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन एनालिसिस टेस्ट किया जाता है, मगर इसमें भी कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया जाता है। ये सभी टेस्ट स्नेहल के पिता हिंदू राव गवारे पर भी किए जाते हैं, मगर यहाँ भी स्नेहल की हत्या के संबंध में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिल पाता है। हालांकि इस जांच के दौरान ये खुलासा जरूर होता है कि स्नेहल की मां कल्पना और पिता हिंदू राव के आपसी रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। यहाँ तक कि हिंदू राव की बड़ी बेटी शीतल, जो लंदन में रहकर पढ़ाई कर रही थी, उससे भी हिंदू राव के रिश्ते ठीक नहीं थे और उसने अपने पिता पर तो मारपीट तक का मामला पुलिस में दर्ज करवाया हुआ था। इस निहल से ही हिंदू राव के रिश्ते तनावपूर्ण ही थे, जिसके साथ कल्पना के अवैध संबंध होने का शक जताया गया था। पुलिस उससे भी पूछताछ करती है, मगर वहां से भी कोई सबूत हाथ नहीं लगता है। जिन चार लोगों पर शक जताया गया था, सभी लगभग शक के दायरे से बाहर हो चुके थे। हालांकि स्नेहल के बॉयफ्रेंड हीरेन राठौर को अब तक पुलिस ने क्लीन चिट नहीं दी और उस पर अब भी नजर रखी जा रही थी, लेकिन उसे गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जा सका था क्योंकि उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिले थे। जब पुलिस को कहीं से कोई क्लू नहीं मिलता है, तो कुछ आला अधिकारी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शायद इस घटना को किसी बड़े गैंग ने तो अंजाम नहीं दिया है। इसी के बाद कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम के डी गैंग से जुड़े कुछ लोगों से भी इस हत्याकांड के सिलसिले में पूछताछ होती है, मगर यहाँ से भी कुछ नहीं मिलता है। इन लोगों से पूछताछ करने के साथ साथ पुलिस कल्पना का गुम हुआ मोबाइल भी तलाश रही थी। मोबाइल तो गायब होने के बाद ही स्विच ऑफ हो गया था, मगर मोबाइल के IMEI नंबर के जरिए अब भी मोबाइल पर नजर रखी जा रही थी। इस घटना के कुछ दिनों बाद अचानक से मोबाइल में कुछ एक्टिविटी दर्ज की जाती है और IMEI के जरिए पुलिस मोबाइल को ट्रेस करते हुए मनसुख शिवाजी पाटिल नाम के व्यक्ति के पास से ये मोबाइल बरामद कर लेती है। इस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ में पता चलता है कि मनसुख शिवाजी पाटिल कांदीवली में एक दुकान चलाते हैं। उनको ये मोबाइल किसी शख्स ने कुछ दिनों पहले 3500 रुपए में बेचा था। बेचने वाले व्यक्ति ने बताया था कि ये मोबाइल उसे कहीं गिरा हुआ मिला था। पुलिस के कई घंटों की पूछताछ के बाद पता चलता है कि वास्तव में स्नेहल से मनसुख शिवाजी पाटिल का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति ने इसे स्नेहल का मोबाइल बेच दिया है। क्योंकि मनसुख ने मोबाइल बेचने वाले व्यक्ति को देखा था, इसलिए पुलिस मनसुख की मदद से मोबाइल बेचने वाले का स्केच तैयार करवाती है। स्केच बन जाता है, मगर स्नेहल के माता पिता समेत कोई भी व्यक्ति उस स्केच वाले व्यक्ति को नहीं पहचान पाते। स्नेहल को इस दुनिया से गए हुए कई महीने बीत चुके थे, मगर पुलिस के पास कातिल और सबूत के नाम पर कुछ नहीं था। स्नेहल के कमरे से जो कुछ फिंगरप्रिंट्स बरामद हुए थे, वो घरवालों से जरूर मैच खा रहे थे, मगर ये पक्का सबूत नहीं था क्योंकि अनजाने में लगातार लोग इस कमरे में आ जा रहे थे। यहाँ तक कि कमरे में लगे बेड के अंदर लाश मौजूद थी, ऊपर लोग सो रहे थे। ऐसे में वहाँ घर के लोगों के फिंगरप्रिंट्स का आना कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। हाँ, उस भीड़ में पुलिस जरूर हीरेन राठौर के फिंगरप्रिंट्स तलाशने की कोशिश करती रही, मगर पुलिस को सफलता नहीं मिलती क्योंकि किसी भी फिंगरप्रिंट से हीरेन राठौर के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते हैं। पुलिस से ऑलमोस्ट स्नेहल की हत्या के मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद हीरेन पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है। समय बीतता गया, मगर पुलिस कभी भी कातिल तक नहीं पहुंच पाई। 2010 तक आते आते इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच की जांच के दौरान ही 2010 में अचानक से इस केस में फिर से नई जान आ जाती है। दरअसल 2010 में हीरेन राठौर के पिता का देहांत हो जाता है। पिता की मौत की खबर सुनकर हीरेन विदेश से अपनी पढ़ाई छोड़कर पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए
वापस अपने घर आता है। पिता के अंतिम संस्कार के बाद क्राइम ब्रांच भी हीरेन को ही प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए जांच आगे बढ़ाती है और फिर से हीरेन को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। क्राइम ब्रांच की ओर से हीरेन का नार्को टेस्ट करवाने का फैसला किया जाता है। कोर्ट में कहा जाता है कि इस बार पुलिस के हाथ हीरेन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले हैं। हीरेन कोर्ट में नार्को टेस्ट के लिए अपनी मंजूरी भी दे देता है। अब नार्को टेस्ट की तैयारी चल रही थी। इसी बीच केस में एक बार फिर से नाटकीय मोड़ आता है। क्राइम ब्रांच की ओर से कोर्ट में बयान दिया जाता है कि पुलिस को हीरेन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए, इसलिए अब नार्को टेस्ट नहीं किया जाएगा। इसके तुरंत बाद हीरेन भी कोर्ट में नार्को टेस्ट के लिए दी गई अपनी सहमति वापस ले लेता है। कुल मिलाकर स्नेहल गवारे की हत्या को 15 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, मगर आज तक पुलिस ना तो एक गवाह ला पाई है, ना कोई एक सबूत और ना ही कोई कातिल है। वैसे ये केस अब तक बंद नहीं हुआ है और पुलिस आज भी अपने स्तर से इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस इंतजार में है कि शायद किसी दिन चमत्कार हो और उनके हाथ कोई पुख्ता सबूत लग जाए जो उन्हें कातिल तक ले जाए। अब वो दिन कभी आएगा या नहीं, वो तो समय ही बताएगा। दोस्तों, आपके अनुसार इस स्नेहल की हत्या किसने और क्यों की होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।